नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आज हम देखने के लिए यहाँ आईसर 485 जो कि एक 45 एचपी कैटेगरी का ट्रैक्टर है और यहाँ 2021 वाला वेरिएंट है। आगे वीडियो में बात करेंगे हम इसके इंजन, पावर फिगर, गियर बॉक्स, पीटीओ, एक्सल और इसमें दिए गए फीचर्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंजन ट्रैक्टर टेक के साथ। इसमें हमें सिंगल पीस बॉनेट देखने को मिल जाता है और इसका एयर फिल्टर प्री क्लीनर के साथ में आता है। इसके बॉनेट को ओपन करने के लिए आपको पहले ये प्री क्लीनर को निकालना पड़ता है। इसमें ये रहा रेगुलर हेडलैम्प और आयशा का लोगो देखने को मिल जाएगा और सामने में ये अलग से नेट लगाकर दिया हो जो कि तीनों साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये 485 का स्टिकर और ये आयशर का भी इसमें स्टिकर दिया गया है और इस साइड में आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। लेफ्ट फेंडर में डुअल क्लच का स्टिकर, ये रहा पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोमेटिक एन प्लस, इन सभी का स्टिकर आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। इस लीवर को नीचे करने से आप इसके बॉनेट को बड़े आसानी से ओपन कर सकते हैं और यहाँ कुछ इस तरह से ओपन होता है जैसा कि आप ये देख सकते हैं। यहाँ से आप इसके पूरा ओपनिंग एंगल को देख सकते हैं और यहाँ से किसान भाई सभी चीजों का बड़े आसानी से रेगुलर मेंटेनेंस और साफ सफाई कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसके इंजन से। इसमें 2945 सीसी का 3 सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है जो कि आता है बॉश के इंजन फ्यूल पंप के साथ में और इस प्रकार का जो पंप होता है बिल्कुल ही मेंटेनेंस फ्री होता है। और ये रहा इसका इंजन ऑयल फिल्टर जो कि मेटल के प्रोटेक्शन के साथ में दिया गया है। और यहाँ से आप इसके इंजन के हेड को देख सकते हैं, अलग अलग डिजाइन किया हुआ है। और ये रहा इसका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और यहाँ से आप इसके एग्जॉस्ट पाइप को देख सकते हैं। इसका मफलर आपको बाहर में मिल जाएगा। एयर कूल्ड होने की वजह से इस ट्रैक्टर में आपको रेडिएटर वगैरह नहीं दिया गया है लेकिन फिर भी इंजन को ठंडा करने की जरूरत पड़ता है। इस वजह से इसमें आपको ये फिन्स देखने को मिल जाएगा जो कि तीनों सिलेंडर में दिया हुआ है और इन्हीं फिन्स के माध्यम से इस ट्रैक्टर को एयर कूल्ड बनाया जा सका है। राइट साइड में आपको ये 3 फैंस देखने को भी मिल जाएगा जो कि इंजन को ठंडा करने का काम करते हैं। और एयर कूल्ड इंजन लेने से यह फायदा होता है कि इसमें आपको कूलेंट यूज नहीं करना पड़ता और रेडिएटर भी नहीं लगता जिस वजह से इसका कॉस्ट भी कम पड़ता है और इसमें मेंटेनेंस भी आपको ना के बराबर करना पड़ता है। बात करें इसके एयर फिल्टर का तो इसमें ऑयल बार टाइप एयर फिल्टर दिया हुआ है और यहाँ से आप इसके पाइपलाइन को देख सकते हैं। बात करें इसके स्टीयरिंग का तो इसमें बैलेंस टाइप डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया हुआ है और आप इसके हाइड्रोलिक जैक के अरेंजमेंट को देख सकते हैं, ऊपर में लगाकर दिया हुआ है। और डुअल एक्टिंग होने की वजह से इसका जो स्टीयरिंग रिस्पांस है वो आपको बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगा। इसे आप सिंगल हैंड से भी ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ कुछ इतना स्मूथ होता है। फ्रंट में आपको पंप देखने को मिल जाता है और इसी पंप से ही हाइड्रोलिक और स्टीयरिंग दोनों के लिए काम होता है। और ये आप हाइड्रोलिक के लिए गए हुए पाइपलाइन को देख सकते हैं जो पीछे हाइड्रोलिक तक गया हुआ है। यहाँ से आप इसके नॉन एडजस्टेबल टाइप फ्रंट एक्सल को देख सकते हैं और इसमें आपको फ्रंट में बम्पर लगाकर भी दिया जाता है और इसमें ये वेट अटैच करने के लिए पहले से जगह देकर रखा हुआ है। यहाँ से आप इसके स्पिंडल को भी देख सकते हैं और इस साइड से आप इसके रिम के डिजाइन को देख पा रहे होंगे। बात करें इसके ऑयलिंग कैपेसिटी का तो इसके इंजन में 7.5 लीटर का ऑयल, इसके ट्रांसमिशन हाइड्रोलिक और स्टीयरिंग के लिए लगभग 40 लीटर का ऑयल यूज करना पड़ता है। बात करें इसके फ्यूल टैंक का तो इसमें 48 लीटर का मेटल का डीजल टैंक दिया हुआ जो की आता है 2 डीजल फिल्टर और 1 वाटर सेपरेटर के साथ में। लेफ्ट साइड में बैटरी बॉक्स दिया हुआ जो की डुअल टोन फिनिशिंग के साथ में आता है जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये रहा 2.7 किलोवाट का स्टार्टर और इसमें 23 एम्पियर का अल्टरनेटर आपको सामने में देखने को मिल जाता है। और यहाँ से आप इसके पूरे बेल्ट को देख सकते हैं, इसमें डबल बेल्ट लगाए हुए हैं और यहाँ से आप ये इसके पुली को देख सकते हैं और इसी बेल्ट से ही इसके जो एडिशनल फैन है ये भी ऑपरेट होते हैं। इसमें 45 एचपी का पावर, 2150 इंजन रेटेड आरपीएम पर और मैक्सिमम 173 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। यह ट्रैक्टर एयर कूल्ड होने के साथ ही साथ अच्छा खासा पावर भी आपको प्रोड्यूस करके देता है। आप में से किन्हीं के पास यह ट्रैक्टर पहले से है तो आप हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और आपने न्यू परचेस करने का सोचा है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात करें इसके डायमेंशन का तो इसका व्हील बेस 2070 एमएम, टोटल लेंथ 3068 एमएम और 1630 एमएम का चौड़ाई देखने को मिल जाता है। 2180 एमएम का हाइट दिया हुआ सिलेंसर सहित 375 एमएम का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। और नीचे से आप ये पूरे इसके डिजाइन को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आयशर ने इसे डिजाइन किया हुआ है। इसमें 32.3 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम फॉरवर्ड स्पीड देखने को मिल जाता है और 32 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम फॉरवर्ड स्पीड होने की वजह से इस ट्रैक्टर को आप ढुलाई जैसे कामों के लिए भी बड़े आसानी से उपयोग में ला सकते हैं। पीछे से आप इसके पूरे डिजाइन को देख सकते हैं। लेफ्ट फेंडर में आपको आयशर लिखा हुआ मिल जाता है। रहा इसका रेगुलर टेल लैंप और इसमें वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए वाइब्रेशन कंट्रोल रॉड भी दिया गया है। ये रहा प्लाउ लैंप और इसको ऑन ऑफ करने के लिए इसका बटन यहीं पर ही दिया गया है। यहाँ पर 485 का स्टिकर देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आप इसके फेंडर गैप को देख सकते हैं, कुछ इतना इसमें फेंडर गैप मिल जाएगा। सीट के पीछे में रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। इस नॉब की मदद से सीट को वेट के अकॉर्डिंग यूज कर पाएंगे। ये रहा इसका बोतल होल्डर, इसमें चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है और इसी के नीचे में 7 पिन सॉकेट देखने को मिल जाता है और इसमें ऑक्सिलरी वाल्व कनेक्ट करने के लिए ये पाइपलाइन आपको
देकर रखा गया है। इसमें एडजस्टेबल टाइप हिज देखने को मिल जाता है, जिसको आप अपने जरूरत के अकॉर्डिंग हाइट को एडजस्ट कर पाएंगे। बात करें इसके हाइड्रोलिक्स का, तो इसमें 1850 केजी की मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है। और आप इसके लोअर लिंक के डिजाइन को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। और इसमें बॉक्स शेप में स्टेबिलाईजर बार देखने को मिल जाता है, जिसको आप इन पिन के माध्यम से बड़े आसानी से एडजस्ट कर पाएंगे। और इसके लेंथ को एडजस्ट करने के लिए कुछ इस तरह से अरेंजमेंट दिया गया है। और यहाँ पर आप पूरे इसके फिट एंड फिनिशिंग को देख सकते हैं। इसमें 3 पॉइंट सेंसिंग के साथ में ऑटोमेटिक डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल सेंसर देखने को मिल जाता है। और सॉफ्ट मिट्टी महल को चलाने के लिए टॉप लिंक को नीचे में लगा है, उससे थोड़ा हार्ड मिट्टी के लिए बीच वाले में, और सबसे अधिक हार्ड मिट्टी के लिए टॉप लिंक को हमेशा ऊपर वाले में लगाए। और इंप्लीमेंट को रोड पर लाते लाते समय भी टॉप लिंक को हमेशा ये ऊपर वाले में लगाना चाहिए, जो सेंसर है सेंसिटिविटी लंबे समय तक बरकरार रहती है। और यहाँ से आप ये पूरा इसके सेंसर के ये सब चीज को देख सकते हैं। और इसमें टॉप लिंक को टोकने के लिए हुक दिया गया है। इसमें स्ट्रेट टाइप का रियर एक्सल दिया गया है। इसमें 6 स्पैन पीटीओ दिया हुआ है, जो कि आता है 540 स्टैंडर्ड और ग्राउंड स्पीड और रिवर्स पीटीओ के साथ में। बात करें इसके टायर साइज का, तो इसमें 6016 के फ्रंट टायर लगा कर दिया जाता है। और यहाँ से आप इसके पूरे रिम के डिजाइन को देख सकते हैं, और इसमें आपको कुछ इस प्रकार से ये थिकनेस देखने को मिल जाता है। 14x28 के रियर टायर लगाकर दिया गया है। और यहाँ से भी आप इसके रिम के डिजाइन को देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के लिए सिंगल फुट स्टेप दिया हुआ है, इसकी मदद से इसमें आप बड़े आसानी से चढ़िया उतर सकते हैं। और ये रहा इसके डैशबोर्ड, और प्लेटफॉर्म सहित पूरे फेंडर का फुल लुक कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसमें कुछ इस तरह से स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। और ये रहा आइसर का लोगो, यहाँ से आप इसके मीटर कंसोल को देख सकते हैं। इसमें डिजिटल टाइप में आरपीएम मीटर, क्लॉक और आवर मीटर दिया गया है। और यहाँ पर फ्यूल गेज, टेम्परेचर मीटर, ऑयल प्रेशर मीटर, बैटरी, इन सभी प्रकार के इंडिकेशन में मिल जाएगा। ये रहा इसका हैंड थ्रोटल लीवर, इंडिकेटर लाइट के लिए, पार्किंग लाइट के लिए बटन, और इसके क्लॉक को सेट करने के लिए दिया गया है। ये रहा इसका हॉर्न के लिए बटन, और इग्निशन की, और इंजन को स्टार्ट करने के लिए इसमें लीवर ऊपर में ही दिया गया है। और इससे आप इसके सभी प्रकार के लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। राइट साइड से फेंडर को देख सकते हैं, और इसमें कुछ इस तरह से फेंडर ग्रिल देखने को मिल जाता है। यह रहा इसका प्लास्टिक का टूल बॉक्स, नीचे में हमें ऑयल इमरजेंसी ब्रेक का स्टिकर मिल जाएगा। और यहाँ पर कुछ सावधानी इसमें दिया गया है। ये रहा इसका ड्राफ्ट कंट्रोल और पोजीशन कंट्रोल लीवर, और यहाँ पर आपको ये फिल्टर देने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में हमें पीटीओ लीवर दिया हुआ है, इसको ऊपर की ओर करने पर यह 540 स्टैंडर्ड पीटीओ के रूप में काम करेगा, और नीचे की ओर करने पर यह ग्राउंड पीटीओ और रिवर्स पीटीओ के रूप में काम करता है। बात करें इसके गियर बॉक्स का, तो इसमें पार्शियल कॉन्स्टेंट मेश टाइप गियर बॉक्स दिया हुआ, जो कि आता है 1, 2, 3, 4 रिवर्स और हाई लो के साथ। इसका मतलब इसमें 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर दिया हुआ है। बात करें इसके क्लच का, तो इसमें हमें डुअल क्लच देने को मिल जाता है, मतलब हाफ प्रेस करने पर यह ट्रांसमिशन का काम करेगा, और फुल प्रेस करने पर यह पीटीओ के लिए काम करता है। इसमें ऑयल इमर्ज डिस्क ब्रेक दिया गया है, और यहाँ से आप इसके एक्सेलरेटर पेडल को देख सकते हैं। और इसके ब्रेक को लॉक करने के लिए कुछ इस तरह से लीवर दिया गया है। इसके प्लेटफॉर्म को आप ये देख पा रहे होंगे, इसमें कुछ इस तरह से प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाता है, जो कि बैठने में आरामदायक ही है। यहाँ से आप इसके ये मॉडल नेम और मैन्युफैक्चरिंग डेट और ये SFC, इन सभी चीजों को देख सकते हैं। इसमें हमें एडजस्टेबल सीट देखने को मिल जाता है, जिसको आप इस लीवर की मदद से इसके लेंथ को एडजस्ट कर पाएंगे। और नीचे में आपको ट्रांसपोर्ट लॉक और इसके ऑक्सिलरी वाल्व को एक्टिवेट करने के लिए नॉब मिल जाएगा। तो चलिए ट्रैक्टर को स्टार्ट करके आपको इसका आवाज़ सुनाते हैं, और इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी देख लेंगे। आप इसका आवाज़ को सुन सकते हैं कुछ इस तरह से है, और इसमें आपको बहुत ही जबरदस्त स्टीयरिंग रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप ये पूरा देख सकते हैं। और यहाँ से आप इसके पूरे कटिंग को देख पा रहे होंगे। तो इतना कुछ देखने को मिलता है आपको आइसर 485 में। अगर आपके मन में इस ट्रैक्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या कुछ क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए आते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।